लोग एज यू कैन सी मैंने सारे अलॉय व्हील्स में इनकी जो व्हील कैप्स हैं वो लगा दी हैं। एक मेरे हाथ में, वो इसलिए क्योंकि ये जो लगा हुआ है ना ये उतर नहीं रहा मेरे से, बाकी तीनों में मैंने लगा दी हैं। अब ये आप चेक कर सकते हैं जो गार्ड मैंने इनके ऊपर डबल टेप लगाई हुई है, तब जाकर ये बीच में फंसे हैं। फंसे भी नहीं है, बस चिपक गए हैं साथ। कोई चांस नहीं है कि जल्दी जल्दी उतरेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इनको लगा दिए। अब ये चेक कर सकते हैं तो रिमो की जो लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, बस अब गाड़ी की लुक है वो ख़राब है। देख लें आप कितनी गंदी हुई है बाहर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गर्मी में खड़ा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गाड़ी के छोटे मोटे काम कराने, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। और वो काम क्या है कि हमारी गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, एक तो उसकी हालत देख लें बहुत बुरी हुई है, दूसरा ये कि इसके फ्रंट बम्पर की जो किट है वो टूट गई है, वो फाइबर ग्लास की है, उसको जोड़ना भी एक अजाब है, उसको पेंट कराना भी एक अजाब है। एक तो ये जो गार्ड हमने सोचना है कि उसका क्या किया जाए, आया उसको बस जोड़ के उसके ऊपर एक वाइट कलर की रैपिंग शीट लगा दीजिए। मुझे ये तो बेहतर लग रहा है कि पेंट का 2000 रुपया उसने मांग लिया। पिछला बम्पर उखड़ा हुआ है, उसके नक्के सेट कराने हैं, उसकी जो किट है उसकी प्रोटीन उखड़ी हुई है, उसकी लुक सेट करानी है, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। ज़रा ये चेक करें, ये जो है ना ये मैं आपको ऑलरेडी चेक करा चुका हूँ। अब ये हो सकता है हमें इसको जोड़ना पड़े एल्फी शेल्फी से, और उसके ऊपर हम इसको जोड़ के उसके बाद हमें उसके ऊपर वाइट टेप लगा देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि ये छुप जाए। और दूसरा जो हमारा बम्पर उसके लात में आपको दिखाऊं तो इस साइड से तो ये बेहतर ही है, क्योंकि इसके नक्के टूटे हुए हैं, काफ़ी दफ़ा टूटे हैं, रिपेयर हुए हैं, अब ये बैठ नहीं रहा। और ये देख सकते हैं मैंने दूसरी गाड़ी को हिट किया था पीछे से, तो ये बम्पर भी ख़राब हो गया, और इसकी पुटीन जो है वो यहाँ से उखड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से हमें गाड़ी की लुक में जो है ना वो कमी का सामना करना पड़ा है। अब लुक हमने सेट करनी है, उसके लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। वैसे तो कम ही ऐसा होता है कि हम कोई काम करने निकलें और पूरा करके आ जाएँ, लेकिन पिछले 2 दिन तो खुआरी काटी है काफ़ी। अब चलते हैं, देखते हैं कि आज ये हमारे बम्पर शम्पर सेट होते हैं कि सेट होते हैं, और इसके अलावा देख लेंगे छोटी मोटी चीज़ें जो आज हम करा सकें, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से काम होता रहेगा, मैं साथ साथ कुछ और काम भी करने होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है 2 होने वाले दिन के और ऑब्वियसली दिन के, तो 2 होने वाले हैं, चलते हैं काम शुरू करते हैं और गाड़ी की जो लुक है वो कम्प्लीट करते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे ये पता चल गया था कि जो ऑटो शो है पोस्टपोन हो गया, उसके बावजूद मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि उसकी डेट आ जाएगी, आ जानी है डेट इंशाल्लाह, हो सकता है आप भी गई हो जैसे वक्त में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑटो शो पे हमने आना है, हो सकता है ये इसके बाद मौका ही ना मिले जिंदगी को कि ऑटो शो पे आए, तो ऑटो शो पे आना तो उसको गाड़ी कम जो है ना वो यस मस करके लाएंगे इंशाल्लाह। स्पाइडर शायद भी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई, इंशाल्लाह स्पाइडर जब मैं आऊँगा तो होपफुली स्पाइडर इस पर कोई ना कोई लगा हुआ, हो सकता है मुझे कोई यूनिक चीज़ ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो भाई लोग, ट्रैफिक जाम हो गई है, बड़ी देर से फंसा हुआ हूँ यार, 10 मिनट हो गए हैं, आहिस्ता 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 चल रही है बिल्कुल। कभी कभी होता है इसलिए है कि स्कूल टाइम है ना, वो देखें कैरियों की छतों पर बस्ते पड़े हुए बच्चों के, स्कूल टाइम बिल्कुल पिंडी में ना निकलना गुना है। लोग हम इमरान भाई के पास पहुँच चुके हैं, उनको मैंने बोला है कि किट की जो सूरत हाल है, वो कह रहे हैं कि आज कोई मसला नहीं, किट तो रिपेयर हो जाएगी, बाकी आपकी मर्जी है रंग कराएं या इसके ऊपर पेपर लगवा लें, तो अभी पहले किट जुड़वाते हैं फिर उस हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि रंग करवाना पड़ेगा या पेपर से गुजरा चल जाएगा। ये इमरान भाई के शागिर्द अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किट के साथ क्या वारदात करनी है। यार बहुत रश है यार, दिल तंग पड़ जाता कसम से। पाकिस्तान में भी पूरी पूरी मार्केट हो ना गाड़ियाँ मॉडिफाई कराने की, हर चीज़ एक जगह से मिलती हो, हर काम एक जगह से होता हो, खुली खुली रोडें हों, मज़ा आ जाए गाड़ियों में काम कराने का। यार यहाँ तो बंदा 10 दफ़ा सोचता है पहले आने से, फिर जरा सा लगती है, फिर डोर टूट जाती है, बहुत दफा चीज लगती है तो लाजमी बात है टूटती है, नहीं भी टूट जाती है, सेट आपको करवाना पड़ेगा उस जगह से बस। और यार ये पिछला बम्पर उखड़ा हुआ साइडों से इसके नक्के शक्के बनवाने हैं, सही ऐसे जेन्युइन फिटिंग करनी है। चलो 2000 लेना ठीक है, किधर खड़ी गाड़ी, गाड़ी पीछे आने देना है, पर पिछले बम्पर का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ऐसे खूबसूरत काम करना आपके सामने होगा, ऐसे लाइनें बैठी हुई हो ठीक है ना। अगर वो टेप वाला लगाए तो 400 रुपए का है। ठीक नहीं यार, हैंड ब्रेक चेंज कराने से बेहतर स्पेस में लेदर का बनवा दूं कवर, जब उतार नहीं तो हड्डी केड़ी। फारिग आदमी बताया ना, मैं फारिग आदमी हूं। गाड़ी खोल लिया, किधर है बम्पर, किधर है
हाँ बस नक्के इसके खूबसूरत से बनाओ, ऐसे लगे जैसे जेन्युइन है, ठीक है ना, आराम से काम करो। ये चेक करें अपने भाई की गाड़ी नंग मनंगी हो, चट पकड़ो चट पकड़ा चेक कोस। चलो खूबसूरत सी लगा, ऐसे पता लगे कि जेन्युइन है, जेन्युइन की तरह बना के दे रहा है। किनारियां भी सारे सिलाई करोगे ना? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक है? ऐसे ठीक है। अच्छा वो गाड़ी खड़ी करके गया हुआ था कितने के पास नहीं, क्या हाल है? ठीक है ऐसे ठीक है। गाड़ी की मॉडिफिकेशन चल रही है यार, ये बम्पर शम्पर टूटे हुए थे, ऑटो शो आ रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन वो कल तो कैंसिल हो गया है। वो आ जाएगा, आठ डेढ़ देंगे उसकी, कोई ना कोई डेढ़ देंगे, आठ देंगे, आठ डेढ़ देंगे। क्या कहते हैं वो जो दूसरे भाई हैं उनका नाम मुझे? हाँ जी बजाज भाई, क्या हाँ हाँ नहीं अभी नहीं मिली यार, ब्लॉक में आ रहे हैं लगा दूँ। ठीक थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये कितने वाला है? ये 650 का है। ये 650 का, अच्छा। और दूसरा ये नक्के वाला है? ये कितने का है? ये 1550। ओए 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 ओए, ये जेन्युइन इसके नक्के वाला है, वो दूसरे तरह से रखो। ये 1550 का नक्के वाला, ये जो लगा हुआ है ये कौन सा है? ये जो लगा हुआ है नक्के वाला है ना, नक्के वाला है। हां नक्के वाला। अच्छा ये चेक करो भाई लोग, ये चेक करो भाई लोग, आपके भाई ने ना 2500-3000 रुपए का खर्चा बता लिया हैंड ब्रेक का, ये आपके भाई ने हैंड ब्रेक पे स्टिचिंग करा ली है। और यार ये बड़ी जबरदस्त लगी, इतना मजा आ रहा है ग्रिप करने में, बेहतरीन हो गया काम यार। सिर्फ ऊपर से नक्का टूटा हुआ था, पूरी हैंड ब्रेक चेंज करानी पड़ती, अब ये यस मैस हो गया। ये जो लोगो है ना होंडा का, ये जो नक्के वाले, ये जो लगा हुआ है इसके नक्के होते हैं दो, इधर एक नक्का इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्लिक करके बीच में लगता है। जो स्टिकर वाला है ना वो 400 रुपये का मिलता है, वो लाला कह रहे 400 का, लेकिन मैं लगा रही था ऐसा तो बुरा लग रहा है। नहीं नहीं बुरा क्यों लग रहेगा, न्यूटार्क लगाते तो क्या होता? नहीं नहीं जो नको वाला नहीं है तो फिर क्यों ये इस तरह लगा दूँ? नको वाला नहीं है वो नहीं बैठता फिर उसमें, बैठ जाता लगा क्यों नहीं, नहीं बैठा। हमारा काम है ना, मैं तो 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। खूबसूरत नहीं लग रहा है आप इसी तरह लग रहे क्यों नहीं लग रहा है? चेक करो भाई लोग, काफी अरसे बाद नया लोगो लग गया गाड़ी पे, नीट नीट लुक आ रही है ना। इसने उसी लोगो के ऊपर लगा दिया, कहता है कि ये नीचे का निकाल के लगाऊंगा तो फिर सही नहीं बैठेगा, शायद इसको सही पता होगा। ठीक है सर, ठीक है, हाँ आ गया नंबर। तो ये खूबसूरत लग रहा है, ये मुझे मिला है 400 का, और ये जो है ये 500 रुपये की स्टिचिंग हुई है। अग लगी है भाई जी हर चीज़ नूँ, मैं फिर भी काफ़ी निगोशिएशन कर लेता हूँ, कुछ लोग नहीं कर सकते थे निगोशिएशन, ये बोलते इतना दूर है, लेकिन खान ने ठीक कर दिया यार। ये इसका मुझे 800 रुपया मांग रहे थे, 800 तो इसका मैंने बोला 500, और इसका 650 मांग रहे थे। ऐसे पैसे जैसे जेन्युइन फिटिंग होती है ना, गैप ना आए तो भाई लोग, पहली और आखिरी दफ़ा मैंने बम्पर रिपेयर करा लिया, अब कहीं दूसरी दफ़ा इसके बाद अगर ये टूटा ना तो या तो मैंने बम्पर के बगैर गाड़ी चलानी है, या फिर मैंने नया बम्पर ले लेना है। नक्के शक्के तैयार कर लिए गर्म करके, तारे सारे लगा के, अब चेक करते हैं कैसी फिटमेंट बैठती है गाड़ी की, फिर इसके बाद इसकी बॉडी किट का, अगली का और पिछली का कुछ करते हैं। तो ये भाई लोग हमने किट जोड़ी है, ऊपर फाइबर ग्लास लगा के बजाय ग्लू लगाई है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा फाइबर ग्लास पहन के ऊपर ग्लू लगाई है, लेकिन काम मज़े का नहीं किया क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पीस सही जोड़े नहीं है और ऊपर बस उठा के फेंक दिए। पिछले बम्पर का काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छी फिटमेंट की है, मैं आपको शो कराता हूँ। ये चेक करो 0-0 फिटमेंट है बिल्कुल, ये थोड़ा सा बाहर इसलिए है क्योंकि गाड़ी की लाइट की फिटमेंट सही नहीं हुई थी, और बम्पर डी शेप भी हो चुका है टूट टूट के बार बार। ये वाली साइड चेक करें, बिल्कुल फिट फिटमेंट की है, 0-0। तो अगली किट को जोड़ने का और पिछला बम्पर सेट करने का उन्होंने मेरे से 2000 लिया है, और सारा हाथ का काम है,
लेकिन यह है कि अगली किट के साथ उन्होंने कोई खूबसूरत काम नहीं किया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, पिछले बम्पर के साथ ज़बरदस्त काम किया है। दूसरी बात यह कि अभी हम चलते हैं पेंटर के पास से पता करते हैं कि अगली किट को पेंट करने का और पिछले बम्पर को पेंट करने का जो जैसे ख़राब है उसका क्या पैसे लेगा, अगर तो वह जायज़ बताता है फिर तो हम करा लेते हैं, नहीं तो फिर अगली किट पे हम पेपर लगाते हैं और जान छुड़ाते हैं, पिछले बम्पर से फिलहाल हम गुजारा कर लेंगे। तो बात भाई लोग ये है कि मैं घर आ गया हूँ, मैं पेंटर के पास गया, उसको मैंने सारी चीज़ें चेक कराई, बम्पर शम्पर और अगला बम्पर भी, तो उसने कहा एक तो इस पर आधा दिन लग जाएगा, आधा दिन के मतलब 2-3 घंटे मैक्सिमम, अगर वो नियत से काम करे तो इतने लगेंगे और अगर साथ और काम भी करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आधा दिन लग जाएगा। तो मैंने कहा आधा दिन तो मेरे पास नहीं, मेरे पास तो मैक्सिमम 1.5 घंटे 2 घंटे होंगे, तो उसने कहा कि फिर आप कल आ जाएं, और ख़र्चा उसने जो बताया है वो 7,000 बताया, लेकिन 7,000 आपका भाई नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, और मेरी यही कोशिश होती है 4,000 रुपये में अगर काम हो जाए तो हो जाए, क्योंकि बम्पर पिछला पूरा पेंट करना है और आगे जो टूटा है वो सेट करना है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी बोरिंग होगी होगी, लेकिन रेगुलर लाने के लिए कभी कभी आपको ऐसी वीडियोज़ भी देखनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह देखते हैं कि हो सकता है कल मैं पेंट ना करूँ, कल एक दो काम और भी जहन में आ रहे हैं गाड़ी के रिलेटेड ही हैं, तो ये चलो कल देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि भाई लोग सपोर्ट करते रहो, वीडियो देखते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, मेरा हौसला बढ़ाते रहो, आप लोग ही मेरा हौसला है, आप लोग मुझे बूस्ट करोगे मोटिवेट करोगे तो मैं लगा रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा, और इंशाल्लाह मैं एक वीडियो जल्द बनाऊँगा और उसमें आपको डिटेल से बताऊँगा कि मैंने यूट्यूब पर इतनी ब्रेक क्यों ली है, क्या मसले आते हैं, क्या आपको नहीं करना, क्या करना है, कौन सी गलतियाँ मैंने की हैं जो आपने नहीं करना, तो वो इंशाल्लाह वीडियो मैं जल्द बनाऊँगा, वो लाजमी वीडियो है क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ यार, एक तसना बाजा यार।